तो टोटो आ चुकी है जी, और अब बारी है हम लोगों के निकलने की। तो सारा सामान तो पहले से ही तैयार है, तो अब सारा सामान को लेकर के नीचे चलते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सही सलामत पहुंचा दे फिर बाल बच्चा को आज लग गया। और क्या कहें, ज्ञान से एकदम सोया हुआ है। आज की पहली ट्रेन है राधे राधे की, वो भी लंबा राइड है एकदम। यहाँ पर जी हमारी ट्रेन आ गई है और अपना सामान जो है बारी है इसको ट्रेन के अंदर ले जाने की, तो लेकर के चलते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो हम लोग आगे हैं जी छत पर, क्रियांश की हो गई है मालिश और क्रियांश जो है अब थोड़ा धूप के मजे लेगा। उधर जो है मम्मी आंटी से बात कर रही है और बच्चे की ही बात हो रही है, उनके भी घर में एक प्यारी सी बेटी आई हुई है और उनकी भी तबीयत खराब हो गई जैसे क्रियांश की तबीयत खराब हुई थी। बच्चे होते ही है जी बहुत नाजुक, उसको बड़ा केयर से रखना पड़ता है और हमसे जो है थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी इस बार दार्जिलिंग के समय। पूरा दार्जिलिंग जो है यह मजे में घूम रहा था, लगभग 5 दिन मजे में घूमा। और जब दार्जिलिंग से लोग लौट रहे थे सिलीगुड़ी तक भी इसको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सिलीगुड़ी से कटिहार आते वक्त जो है थोड़ा सा एसी को ऑन कर दिया गया, बीच में थोड़ी देर के लिए आधे खिड़की को भी खोला गया था, तो लगता है शायद वहीं पर इसको ठंडी हवा लग गई और जिसकी वजह से यह जो है बीमार पड़ गया। अरे क्रियांश क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। तो सभी लोग इतने परेशान थे पिछले कुछ दिनों से, इसी की वजह से जो हम लोग ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे थे। उस परेशानी के हालत में ब्लॉगिंग करना जानते हैं जी मुश्किल होता है। ब्लॉगिंग करने के लिए आपका दिमाग जो है थोड़ा सा खुश रहना चाहिए, जब आप खुश नहीं रहेंगे तो ब्लॉगिंग करना मुश्किल है। ओए ये जो खांसी हो रही है, ये खांसी इस वजह से हो रही है कि अपना उंगली मुंह में डाल लिया ये। ओए तो जी हम लोग हो गए हैं तैयार और हम लोग जो है अब कुछ देर में करेंगे निकलने की तैयारी। अभी बज रहे हैं दिन के 11:30 और 3 बजे जो है हम लोग निकल जाएंगे और ट्रेन जो है हमारी लगभग 4 बजे के करीब है यहाँ पर। तो 3 बजे इसलिए निकल जाएंगे कि थोड़ा सा जो है सामान भी हम लोग के साथ में है, क्योंकि शादी है तो शादी को लेकर के जो है थोड़ा सामान जो है अच्छा खासा हो चुका है जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको। A few moments later. और क्रियांश यहाँ पर अपना भोजन कर रहा है। YouTube के माध्यम से अपने फ्रेंड से डॉक्टर सीमा मिश्रा को कहना चाहते हैं, अपना दुल्हा को ऐसा दवाई नहीं देख, मेरा पोता भर दिन पे कौन नहीं करता। जो पिछली बार जो हमारे पोता को हम दिखा के आए तो भगवान की दया हो और डॉक्टर साहब का प्रयास, बच्चा बहुत पॉजिटिव। चलो अच्छी बात है। और उधर हमारा खाना लग गया है जी, तो चलते हैं और जल्दी से अपना भोजन करते हैं। जिया चल गई है नहाने के लिए और हम जो है इसके पहरा में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ जो है तब से पड़ा हुआ है उस ताला के पीछे। क्रियांश को वहाँ ताला चाहिए, बेचारे को ताला वहाँ मिल नहीं पा रहा है, हाथ वहाँ तक अच्छे से जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ जो चोट नहीं लगा ली तो इसलिए इसके पास ही खड़े हैं हम। मम्मी का भी नहाया हो गया जी और अब माँ जो है पूजा कर रही है, बस बारी है हमारी नहाने की। तो जब जिया नहा करके आएगी उसके बाद हम चलेंगे नहाने के लिए और समय हो चुका है 1, मुश्किल से अब जो है 2 घंटे बचे हुए ट्रेन के आने में। जो रनिंग स्टेटस देख रहे हैं ट्रेन का बता रहा है कि अभी जो है ट्रेन 1.25 घंटे लेट है, तो अगर 1.25 घंटे लेट रही तो 3 बजे की जगह हमें ट्रेन पकड़ना होगा 4 बजे, देखते हैं जैसा हो। A few moments later. और क्रियांश अभी कुछ देर पहले सोया हुआ था और क्रियांश भी अब जग चुका है और अभी यहाँ जो अपना भोजन पानी कर रहा है और साथ में इधर दादी भी इसका भोजन पानी कर रही है। हम लोगों का तो भोजन पानी हो गया है, है? दादी को देख रहा है, दादी को देख रहा है। आप नहा के आइएगा तब हम करेंगे खाना, खाएंगे। हम तो खा चुके हैं, तुम खा लो, अब पकड़ते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और इस सूट का मुझे कोलैबोरेशन में था तो इसको सूट भी करना था, इस पर हमने वीडियो बना ली, फोटो शूट कर लिया, सब कुछ कर लिया। और बाहर में बाबू झूल रहा है झूले पे, तो अभी तक हमने खाना नहीं खाया और अभी 2:30 बज रहे, तो चलते हैं बाहर। बाबू सो रहा है तो यहाँ पे क्रियांश सो रहा है, सो गया और इधर पति देव जा रहे हैं नहाने के लिए। क्रियांश भी कपड़ा पहन ही चुका है, बस थोड़ा सा एक ऊपर और डालना है। 20 minutes later. यहाँ पे हमने ले लिया अपना खाना, तो जल्दी से खाना खाते हैं क्योंकि 3 बज चुका है, 4 बजे हमारी ट्रेन है, तो कम से कम 3:30 बजे तो फिर निकलना होगा। तो जी सारी तैयारी हो चुकी है, हम भी अपना स्नान कर लिए, स्नान करके हो गए हैं तैयार और अब जो है हम लोग निकलने वाले हैं स्टेशन की तरफ। तो स्टेशन जाने के लिए सोच रहे थे कि अपनी गाड़ी ले लें, लेकिन अपनी गाड़ी को लेकर के दिक्कत है कि गाड़ी से तो चले जाएंगे फिर गाड़ी को जो है लगाएंगे क्या, हम स्टेशन के पार्क में लगाना बिना मतलब का, घर के रहते हुए जो है गाड़ी स्टेशन के पार्किंग में क्यों लगेगा। और जो कुछ दोस्त सब हैं
वह सब जा करके छोड़ सकते हैं स्टेशन। अच्छा नहीं लग रहा है उनको परेशान करते हुए, उनको फिर आना पड़ेगा, फिर गाड़ी पर हमको चढ़ाएंगे, फिर स्टेशन छोड़ेंगे, फिर गाड़ी को हमारे घर पर लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ से अपने घर जाना पड़ेगा उनको ऑटो पकड़ कर। इससे अच्छा है कि जाते हैं कोई ऑटो देखते हैं बाहर में और ऑटो ले लेंगे और ऑटो से ही हम लोग चलेंगे स्टेशन। ट्रेन के आने में जी एक घंटा लेट है, लेकिन मम्मी कह रही है कि वह रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि पास के एक अंकल के साथ ऐसा हो चुका है कि ट्रेन दिखा रही थी एक घंटे लेट है, तो वो लोग आराम से निकले स्टेशन, मतलब स्टेशन गए तो देखे ट्रेन खुल चुकी है वहाँ से, तो सर पहले बहुत लॉस हो चुका है तो इसलिए अच्छा है, तो इससे अच्छा है कि जाके स्टेशन पे एक घंटा बैठ ले, ट्रेन छूटने से अच्छा यही है। ठीक है, गेट लगा दो, हम आते हैं। दीदी अब तो चले गए टोटो लेने के लिए और सामान इतना ज्यादा हो गया है ना, सामान देख के मेरा सर दर्द हो रहा है, जबकि हर बार मेरा ज़्यादा सामान होता था और इस बार जो है पहले तो हम कम सामान लिए, उसके बाद देखे कि बाबू का कपड़ा नहीं आ रहा है तो फिर हम अपना पूरा छांट दिए। मुश्किल से लगता है कि 3-4 साड़ी लिए होंगे बस और 4-5 सूट लिए हैं बस, फिर भी इतना ज़्यादा सामान हो गया है ना क्या कहें। और इधर एक छोटा सा थैला है, एक बाबू का थैला है और एक इधर है थैला और एक ये बड़ा थाली है और मेरा बेटा आराम से सो रहा है, देख सकते हैं आराम से सोया हुआ है सेठ जी। A few moments later. तो टोटो आ चुकी है जी और अब बारी हम लोगों के निकलने की, तो सारा सामान तो पहले से ही तैयार है, तो अब सारा सामान को लेकर के नीचे चलते हैं। नए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सही सलामत पहुंचा दे, फिर बाल बच्चा द्वार लग जाए और क्या कहेंगे भगवान से। 20 minutes later. तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन, अब बुग्गा सोया हुआ है, पतिदेव इधर सामान उतरवा रहे हैं, तो हम लोग ट्रेन जो आएगी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे आएगी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ऐसे देख सकते काफी सामान है। तो पहुंच गए जी स्टेशन, सारा सामान जो है गाड़ी से उतर गया है और अब सीधा चल रहे प्लेटफॉर्म की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है ट्रेन, और अकेले जो है इतना सारा सामान को कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकर के जा सकते थे लेकिन साथ में बेबी है तो जिया को जो है प्रियांश को लेकर के वहाँ पर खड़ा रहना पड़ता अच्छा खासा देर, और हम सामान लेकर के सामान वहाँ पहुँचाते फिर वापस लेकर के आते, तो इससे अच्छा था कि एक कुली भाई साहब मिल गए हैं और अपना 100 रुपया ले रहे हैं, पहुँचा देंगे एकदम ट्रेन तक भी चढ़ा देंगे। तो आगे चल रहे हैं भाई साहब सामान लेकर के, पीछे जिया है क्रियांश को लेकर के, वीर है लेकिन यात्रा करते समय सोता है खूब। ठीक है चलो आगे आगे, हम सोते हैं कहीं सो जाते हैं। वैसे ये भी वीर है तुम्हारी तरह सोने में ना, चलो कोई बात नहीं। देख रहे हैं कि ट्रेन जो है यहाँ आ चुकी है और हम लोग को अभी भी स्टेटस दिखा रहे हैं। चलिए चलिए 8213 12423 अच्छा दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है ये, तो ऐप जो है सही है, सही बता रहा है, तो आराम से ही चलते हैं, अब हड़बड़ी नहीं है, उठ गया कोई नहीं चलो। तो पहले तो सोच रहे थे कि ये सारा सामान जो है खुद से ही लेकर के चले जाएंगे, लेकिन जितना हम लोग को चलना पड़ रहा है लग रहा है कि अच्छा किए कुली भाई साहब को ले लिए, वरना इतना सामान ढोते ढोते वहाँ आगे दिखा चुके हैं, यहाँ भी साथ में कुछ सामान है, तो चिटपुट चिटपुट करके बहुत सामान हो गया है और इसमें से कुछ सामान तो क्रियांश का ही है, ज्यादा है पापा का तो एक ट्रॉली, अच्छा मामा बेटा दोनों। यहाँ पर जी हमारा सारा सामान रखा गया है, कुली भाई साहब आएंगे और वो सारा सामान जो है जब ट्रेन आएगी तो वहाँ चढ़ा देंगे, और हमें यहाँ पर अपने एक प्यारी सी सब्सक्राइबर भी मिल गई है। क्या नाम हुआ आपका? अनु। चलिए जी अच्छा लगा आपसे मिल करके, और यहाँ भी कटिहार से ही प्रियांश जो है इनके साथ आ गया और खेल रहे हैं मजे में यहाँ पे क्रिया।
तुमने पापा की गोदी में आराम से बैठा हुआ है, क्या कर रहा है क्रियांश, क्या कर रहा है? ट्रेन आने में अभी बहुत टाइम है, तो बड़ी देर बैठे हुए हैं बबुआ को लेकर के, कि सीट पूरा फुल हो चुका है सामान से, तो थोड़ा देर हम बैठे, थोड़ा देर वो बोले कि हम बहुत थक गए हैं, हमको बैठने दो, तो हम बोले ठीक है आप बैठिए। A few moments later. यहाँ पर जी हमारी ट्रेन आ गई है और अपना सामान जो है बारी है इसको ट्रेन के अंदर ले जाने की, तो लेकर के चलते हैं। चलो चलो चलो, एक और तीन है की पहली ट्रेन है, वो भी लंबा राइड है एकदम।